आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सीआरपीसी की उस दुनिया में ले जाते हैं जहां आने वाले समय में आपको हर पल उस बात की जानकारी होनी ही चाहिए। आज हम लोग जानेंगे सीआरपीसी की धारा 451 और 457 के बारे में। जैसे कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो लॉकडाउन में क्या है आप देखेंगे, मैक्सिमम राज्य में धारा 144 जो सीआरपीसी की है वो लागू है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपने व्हीकल को लेकर चलते हैं तो उसमें कई तरह के ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें पुलिस आपकी गाड़ी को जब्त कर सकती है। जैसे कि एक्सीडेंट कर गए, जैसे कि आपके पास इंश्योरेंस पेपर नहीं है, जैसे कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जैसे कि आपके पास ऑनर बुक नहीं है, इस स्टेज में अगर गाड़ी आपका जब्त हो जाता है पुलिस के द्वारा और आपको बहुत ज़्यादा फाइन कर दिया जाता है तो आप क्या करेंगे। एक मैं और बात आपको जानकारी दे दूँ कि अगर आपका फाइन भर दिया गया कि इतना रुपया, उस फाइन को पुलिस चेंज नहीं कर सकती है। ये पुलिस के पास अधिकार नहीं है। ये अधिकार किसके पास है? ये अधिकार कोर्ट के पास है, माने न्यायालय के पास है। तब आपको न्यायालय का शरण लेना पड़ेगा। और सीआरपीसी की जो धारा है 451 और 457, इसमें जो है सुपुर्दगी का जो प्रोविज़न है वो दिया गया है। तो इसमें कुछ नहीं है, जो सबसे चीफ और बेस्ट वकील हो, आपका एडवोकेट हो, लॉयर हो, कोई भी हो, उसको आप लें। जो नया होगा वो भी आपका ये है काम हैंडल कर देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ नहीं है, उनको आप लेंगे और वो सीआरपीसी 451 और 457 के तहत आपका संपत्ति आपको सुपुर्द करवा देंगे। आई होप एक छोटा सा वीडियो था और बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि किसी भी स्थिति में आपको डरना नहीं है। डरना नहीं है तो डर कब नहीं लगेगा? जब आपके पास जानकारी होगी तब डर नहीं लगेगा। क्योंकि आप अगर जान जाएंगे कि यहां से अगर हम गाड़ी नहीं छुड़वाते हैं पुलिस से तो हम आगे क्या करेंगे, तो उस बात की अगर विस्तृत जानकारी आपके पास में है तो आपका जो एक विल पावर है वो हमेशा डेवलप रहेगा। तो आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। एकदम टिपिकल चीज़ जो भी होगा उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी, और जो आपका रिक्वायरमेंट होगा कोशिश करेंगे उसको भी हम फुलफिल करें। धन्यवाद।